नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, रीट के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप लोगों को बता दें, रीट के सेकंड ग्रेड एग्जाम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 10,000 पदों पर सेकंड ग्रेड के ही पद निकाल दिए हैं। जी हाँ, बता दें आपको, अशोक गहलोत जी की बड़ी घोषणा अभी अभी सामने आ रही है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है ये, नई रीट भर्ती जारी कर दी है। सेकेंड ग्रेड में केवल 10,000 पद है। आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में भी कितने होंगे, थर्ड ग्रेड में भी कितने होंगे। धीर सिंह दाभाई जी ने सबसे पहले अपडेट दिए। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बड़ी अपडेट है साथियों। तो देखिए, धीर सिंह दाभाई सर ने क्या कहा। 2022 के बजट में एक घोषणा की थी, 10,000 इंग्लिश मीडियम बच्चों का एक कैडर बनाया जाएगा और 1,000 नए महात्मा गांधी विद्यालय ये और खोल रहे हैं। मतलब ये तय है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भविष्य बड़ा सुरक्षित है और एक 10,000 की भर्ती कम से कम ग्रेड सेकंड की मेरे अकॉर्डिंग निश्चित रूप से आएगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि साहब, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे जाएंगे कहाँ? आने वाले टाइम में आप हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हो, तो जिन बच्चों का हिंदी बैकग्राउंड है वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सेकंड ग्रेड की एक बड़ी भर्ती या 10,000 एक कैडर का, क्योंकि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का एक कंप्लीटली अलग बना रहे हैं। चाहे उसमें स्कूल लेक्चरर होंगे, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर होंगे, चाहे थर्ड ग्रेड टीचर होंगे, वो इंग्लिश मीडियम का एक अलग कैडर ये लोग बना रहे हैं। तो उसके लिए 100% एक 10 से 12,000 14,000 की एक भर्ती आएगी।